गुड इवनिंग एंड नमस्ते एवरीवन। आज का सेशन मेनली उन कपल्स के लिए है जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं या जिनको IUI या IVF के ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस वीडियो का पर्पस मेनली अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आज की डेट में हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस या क्या क्या टाइप के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जहां तक अवेयरनेस का सवाल है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादातर कपल्स को ये अवेयरनेस नहीं होती कि एज फैक्टर की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को वैसे तो ये पता भी है कि एज के साथ साथ फर्टिलिटी कैपेसिटी है जो फीमेल्स की स्पेशली वो काफी कम हो जाती है, बट स्टिल उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि किस एज के बाद मां बनने की क्षमता में काफी कमी आ जाती है। तो ये गॉड की तरफ से डिजाइंड है, इट इज बायोलॉजिकली डिजाइंड कि फीमेल की फर्टिलिटी है जो वो बेस्ट होती है 20 to 30 की एज में। जैसे जैसे एज 30 से बढ़नी शुरू हो जाती है, फीमेल्स की फर्टिलिटी जो है मां बनने की क्षमता में कमी आनी शुरू हो जाती है और ये कमी 35 की एज के बाद बहुत ज्यादा कम हो जाती है और मिसकैरेजेस के चांसेस है वो कई काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और 40 की एज के बाद तो मां बनना कुदरती तौर पे बिना किसी ट्रीटमेंट के ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और इनफैक्ट मिसकैरेजेस के चांसेस 50% से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इनकेस आप में से कोई भी कपल्स जिनकी एज 30 या 35 के अबव है या नियरिंग 40 है तो प्लीज अपने ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी डिले मत कीजिए और इमीडिएटली जाके आप अपने डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। कई बार किसी कारण से, कोई पर्सनल रीजन से या कोई करियर या किसी और रीजन से आपको अपनी फैमिली प्लानिंग डिले भी करनी पड़ती है। इनकेस ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल जरूर चेक करवाएं। फर्टिलिटी पोटेंशियल चेक करने के लिए आजकल एक ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल है जिसको कि AMH यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट कहते हैं। ये हमें बताता है कि एक फीमेल का ओवेरियन रिजर्व कैसा है। अगर आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है तो प्रोबेबली आपके डॉक्टर आपको 1 या 2 साल तक वेट करने के लिए बोल सकते हैं, बट इन केस आपका ओवेरियन रिजर्व बॉर्डर लाइन है तो शायद आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ सकती है कि क्या चीज पहले करनी है या फिर फैमिली प्लानिंग के साथ साथ आप अपने करियर को भी प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल है जो उसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हर तरह की बीमारियां आजकल बहुत बढ़ गई हैं, उसी तरह से इनफर्टिलिटी का भी इंसिडेंस आजकल बहुत बढ़ गया है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारी बॉडी का पार्ट ही है, अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है, अगर बॉडी में किसी भी तरह की और बीमारियां हैं तो नेचुरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बॉडी का पार्ट ही है और वो भी उतना ही इफेक्ट होता है। तो लाइफस्टाइल, जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गया है, हमारा खाना भी फास्ट हो गया है, फास्ट फूड का इतना ट्रेंड हो गया है, फास्ट फूड के कारण आजकल हमारी बॉडी में 2 मेन समस्याएं आ रही हैं जो मैं देखती हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। एक तो ये है कि ओवरवेट की प्रॉब्लम है, वो लड़कों में और लड़कियों में यंग एज से ही शुरू हो जाती है, एक छोटे बच्चों में, इवन प्यूबर्टी की एज से बहुत कॉमन है कि 10 से 12 साल की एज की लड़कियां हमारे पास ओवरवेट के साथ आती हैं। बहुत कॉमन है कि जैसे ही उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि बच्ची बहुत मोटी हो रही है या वेट ज्यादा गेन कर रहे हैं। और इनफैक्ट लड़कों में भी ये बहुत कॉमन है, लाइफस्टाइल बहुत सिडेंट्री हो गया है, फूड है जो वो फास्ट हो गया है, 2 मिनट्स में मैगी, 2 मिनट्स में पास्ता पिज्जा, सब कुछ जंक फूड का इतना ट्रेंड हो गया है कि ओवरवेट बढ़ता जा रहा है। ओवरवेट के कारण क्या होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो कि कंट्रास्ट है, अगर आपका वेट बढ़ रहा है मतलब आप काफी अच्छा खाते हो तो आप में तो कमियां नहीं होनी चाहिए, बट जंक फूड यानी कि एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, इसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होती है और रादर वेट ज्यादा गेन होता है, जिसके कारण की हार्मोन इम्बेलेंस और पीरियड्स की समस्या अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि कई बार आगे जाके PCOD की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम्स कई बार महिलाओं में देखने को मिलती है। तो इस करके कोशिश करें कि जहां तक हो सके जंक फूड या फास्ट फूड को अपनी डाइट में कम से कम रखें। हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि हम बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो गया है, जब आप डेली डे टू डे लाइफ में अपने स्कूल कॉलेज या अपनी कम्युनिटी में जाते हैं तो पार्टी में आता ही, आजकल तो जो पार्टी होती है वही पिज्जा पार्टी होती है, बर्गर पार्टी होती है या नूडल्स पार्टी होती है, तो इस करके बिल्कुल अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, पर जहां तक हो सके आप इन चीजों को अपनी डाइट में लिमिट करें, जैसे वीकेंड पे ही रखें या जहां तक हो सकता है आप हेल्दियर ऑप्शंस चूज करें, जैसे कि डाइट में खूब अच्छे सारे फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करें। अगर आपने वीकेंड पे पूरा जंक फूड खाना है तो कोशिश करें कि वीकडेज में आप अच्छे से अपना सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, ये सारी चीजें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। और जहां तक हो सके कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें। बहुत कॉमन है कि आजकल सारा कुछ बटन दबाते ही हो जाता है,
बच्चे भी ज्यादातर मोबाइल्स पे ही लगे रहते हैं, इसलिए यंग एज से किसी को फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं रही है। घर से बाहर निकलते हैं हम, निकलते सारी कार में बैठ जाते हैं और जहां पर पहुंचना होता है उसके आगे ही कार से उतर जाते हैं। देयर इज हार्डली एनी वॉकिंग। अगर कोई स्पेशली उठ के वॉकिंग करने नहीं जा रहा है तो शायद वॉकिंग वगैरह लाइफ से बिल्कुल खत्म ही हो गई है। इसी करके बहुत सारी लेडीज को हम देखते हैं, वो कहते हैं हमने वो ट्रीटमेंट कराया है उसके बाद हमारा वेट बढ़ गया, या हमने ये किया या हमने ये ऑपरेशन करवाया इसके बाद हमारा वेट बढ़ गया, जबकि वो ये नहीं नोटिस करते कि उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या डाइट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। खाना जो है घरों में इतना ज्यादा इन अबंडेंस अवेलेबल है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 4-5 घंटे आप बिना कुछ खाए रह रहे हो, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज खाते चले जाते हैं। तो उसका रिजल्ट होता है कि ओवरवेट होना, ओवरवेट से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हार्मोनल इम्बैलेंस से फिर इनफर्टिलिटी और बाकी समस्याएं होना। तो इस करके अपनी लाइफ में डाइट कंट्रोल प्लस एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें जरूर रखें। ये हैबिट्स है जो यंग एज से ही डेवलप करनी पड़ती हैं। एक बार आप 35 या 40 प्लस हो गए, ऑलरेडी आप इतनी बीमारियों से गिर जाते हो। कई बार हमने यंग एज में देखा है कि फीमेल्स को डायबिटीज भी हो जाती है, ओवरवेट, डायबिटीज प्लस इनफर्टिलिटी। तो ये सारी समस्याएं इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि इनका ट्रीटमेंट भी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के बाद भी इन केस अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें। तो जो भी टेस्ट करवाने को कहें आप उन टेस्ट से जरूर करवाएं। आजकल बहुत सारी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है कि हर टाइप के टेस्ट अवेलेबल हैं, पर हमने देखा है कि आमतौर लोगों में कुछ तरह की गलत धारणाएं होती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट को लेके बहुत सारी महिलाएं बहुत ज्यादा डर जाती हैं। जब एक बार डॉक्टर उनको ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करवाने को कहते हैं तो वो महिलाएं एक बार के लिए अपना ट्रीटमेंट ही बंद कर देती हैं। वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं उन लोगों ने उनके दिमाग में वहम डाला होता है कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करवाने के बाद वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, या उनके अंदर कुछ परमानेंट कमी आ जाएगी, या कुछ इन्फेक्शन हो जाएगी, या ये बहुत पेनफुल है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है जब वो एक बार ट्रीटमेंट रोक देते हैं तो दे कम बैक आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, वो वापिस आते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हुआ नहीं होता, तो वो घबरा के अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। तो वो गलत स्टेप होता है। तो आप घबराए नहीं, आप अपने डॉक्टर से इस टेस्ट को कैसे कैसे किया जा सकता है वो समझें। आजकल ये टेस्ट करने से पहले कुछ इंजेक्शन भी दे देते हैं जिससे कि आपको पेन नहीं होता। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और घबरा के बिना कोई टेस्ट करवाए ऐसे घर पे मत बैठें और अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। आजकल कई तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जो कपल सिंपल ट्रीटमेंट से नहीं कंसीव कर पाते उनके लिए IUI का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। IUI का ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो उन कपल्स के लिए जो किसी भी कारण से सामान्य तौर पर इंटरकोर्स नहीं कर पाते, जैसे कि कई बार देखने में आता है कि हस्बैंड्स में इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम होती है या वाइफ में वेजिनिसमिस की प्रॉब्लम होती है, तो इन मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण कभी कभी वो नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कर पाते, या फिर हस्बैंड वाइफ अलग अलग स्टेशन पे काम कर रहे होते हैं, उनका आपस में मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी एक कारण हो जाता है, कई बार रिलेशन रखने में दिक्कत होती है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है जिसके कारण से वो ऑफन रिलेशन नहीं रख पाते। तो IUI उन कपल्स के लिए भी फायदेमंद है। या फिर कभी कभी वाइफ में PCOD की प्रॉब्लम होती है या एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण की ओवुलेशन की समस्या होती है, तो ऐसे केसेस को भी IUI करवाने से फायदा हो सकता है। कभी कभी मेल्स में भी माइल्ड जो सीमन पैरामीटर्स हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि शुक्राणुओं में कुछ कमी होना या उनकी गुणवत्ता में कुछ कमी होना, तो ऐसे केसेस को IUI से फायदा हो सकता है। तो इन केस आपको लगता है कि आपको कभी आज तक किसी ने ये ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं किया या आप इस ट्रीटमेंट को करवाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कई बार देखने को आता है कि लोग बहुत घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट है, इसमें कितना पेन होगा। बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा है कि वो पेन के कारण इस डर से इतना घबरा जाते हैं कि वो अपने डॉक्टर से बात नहीं करते या आगे ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू करते। तो IUI का जो ट्रीटमेंट है जिसको कि हम इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, ये एक काफी पेनलेस ट्रीटमेंट है। ये एक OPD प्रोसीजर है। इसके लिए आपको एनेस्थीजिया की जरूरत नहीं होती, यानी कि बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट जिसके लिए हमें आपको बेहोश ना करना पड़े, तो बहुत ही वेल टॉलरेबल और पेनलेस प्रोसीजर है। तो इस करके अगर आपका ये ट्रीटमेंट कभी नहीं हुआ है और अगर आपको इस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप बिना घबराए अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। तो IUI के ट्रीटमेंट को आप 3 से 6 साइकिल तक ट्राई कर सकते हैं। इन केस 3 से 6 साइकिल तक ट्राई करने के बाद भी अगर आप IUI से कंसीव नहीं कर पाए हैं तो मे बी आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF की जरूरत पड़े।
IVF ज्यादातर उन कपल्स के लिए होता है जिनमें वाइफ की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या फिर हस्बैंड के सीमन में बहुत ज्यादा कमी है, या फिर जिनकी एज 35 से ज्यादा है, या फिर जिनकी मैरिज को काफी साल हो चुके हैं और वो अभी तक किसी भी और ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं कर पाए हैं, तो वो कपल्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट के लिए हमने पहले भी काफी बार अवेयरनेस वीडियोस किए हैं कि बहुत बार महिलाएं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए IVF से बहुत घबरा जाते हैं कि ये काफी पेनफुल ट्रीटमेंट है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है। तो जैसे कि हमने पहले भी काफी बार बताया है कि आजकल जो IVF के लिए इंजेक्शन लगते हैं वो बहुत ही छोटी सुई वाले इंजेक्शन होते हैं जो पेनलेस इंजेक्शन होते हैं। 8 से 10 दिन तक इंजेक्शन देने के बाद एक्स को तैयार करने के बाद औरत को 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जिसके में कि ओवम पिकअप हम करते हैं। उससे मिले जो एग्स होते हैं उनको हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज लेबोरेटरी में करवाने के बाद उनसे जो एम्ब्रियोस बनते हैं उनको हम लेडी के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। इसको हम IVF कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको शादी को कई साल हो गए हैं, उन्होंने कई तरह के ट्रीटमेंट लिए हैं और वो किसी भी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो वो डायरेक्टली भी IVF के लिए जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इसके अलावा डोनर IUI भी एक ट्रीटमेंट होता है। कई बार हस्बैंड के शुक्राणु बिल्कुल निल होते हैं तो वो टेस्टिकुलर बायोप्सी से अगर उनके शुक्राणु मिल जाते हैं तो या तो वो कपल्स उन टेस्टिकुलर बायोप्सी से रिट्रीव स्पर्म से अपना IVF का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कुछ कपल्स IVF का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर टेस्टिकुलर बायोप्सी के बावजूद भी उनके शुक्राणु बिल्कुल निल होते हैं, तो ऐसे कपल्स को कई बार डोनर IUI के लिए जाना पड़ता है। तो डोनर IUI एक बहुत अच्छा विकल्प है उनके लिए, इस तरह से वो अपना बच्चा पा सकते हैं। डोनर IUI के लिए जो सीमन सैंपल है यूजुअली वो सीमन बैंक से रिट्रीव किया जाता है। ICMR गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी सीमन सैंपल अवेलेबल होते हैं वो उन सबको हम HIV, HBS और हेपेटाइटिस सी के लिए चेक करने के बाद ही उन सैंपल्स को अप्रूव किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में हम बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो डोनर IUI, सेल्फ IUI और IVF के साथ ट्रीट करते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ केसेस हु हैव कंसीव्ड विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। उसके अलावा कभी कभी देखने में आता है कि महिलाओं में माहवारी की प्रॉब्लम होती है, उनके माहवारी टाइम से पहले बंद हो जाती है जिसको कि हम प्रीमेच्योर मीनोपॉज कहते हैं या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। नॉर्मली औरत की जो मां बनने की क्षमता है वो 40 या 45 की एज के बाद खत्म होती है, पर कभी कभी यंग एज में ही पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कभी कभी क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है या फिर कभी कभी औरत के शरीर में उनकी ओवरीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं जिसके कारण की एग्स नहीं बन पाते। तो ऐसे केसेस में अगर अपना बच्चा आप चाहते हैं तो आप डोनर एग की ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें कि एक लेडी जो अपने एग्स डोनेट करती है और हस्बैंड के स्पर्म्स को लेके इस तरह से जो एम्ब्रियो बनता है उसको एक रिसिपिएंट वुमेन के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी और डिलीवरी जो मां बनना चाहती है औरत उसी को होती है, पर एग डोनर होता है, पर इस विकल्प से आप अपना बच्चे को पा सकते हैं। इसके अलावा सरोगेसी भी एक ट्रीटमेंट है, पर सरोगेसी उन्हीं केसेस के लिए एडवाइजेबल है जिनका यूट्रस पूरी तरह से खराब है या जिन औरतों में मेडिकल प्रॉब्लम कोई इतनी सीरियस है कि जिनके लिए प्रेगनेंसी कैरीज करना उनकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। आजकल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कर दी हैं सरोगेसी के लिए, तो सरोगेसी का ट्रीटमेंट कुछ लिमिटेड कपल्स के लिए ही अवेलेबल होता है। तो इसलिए अगर आपको इनफर्टिलिटी या IUI या IVF या डोनर इंसेमिनेशन या डोनर एग या डोनर एम्ब्रियो ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट या इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या कैसा भी कोई भी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो काइंडली विजिट अस एट मेडलिंक IVF सेंटर पटियाला। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप फेसबुक पेज पे भी हमारे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।